चुकी है और इस मौसम में अपने शरीर को गर्म रखना एक मुश्किल काम हो जाता है। ऐसे में शरीर को पर्याप्त न्यूट्रिशन देने के लिए आप सर्दियों के सीजन में फूड का सहारा ले सकते हैं। इस सीजन में मिलने वाले कई सुपर फूड न सिर्फ आपके शरीर को गर्म रखते हैं बल्कि इस मौसम में फैलने वाली बीमारियों से भी हमारा बचाव करते हैं। तो चलिए जानते हैं वो कौन कौन से फूड्स हैं। पहला है कद्दू। ठंड के मौसम में कद्दू हमारी सेहत के लिए बड़ा फायदेमंद माना जाता है। इसमें फाइबर, मैग्नीशियम, बीटा कैरोटीन और विटामिन सी, B6 पाया जाता है। एक्सपर्ट कहते हैं कि सर्दियों में कद्दू खाने से हमारे शरीर का ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल रहता है। दूसरा है अदरक। अदरक में मौजूद औषधीय गुण सर्दियों में सर्कुलेट होने वाले वायरस से हमारी बचाव करते हैं। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि अदरक का इस्तेमाल सदियों से डाइजेशन, पेट में खराबी और इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए किया जाता है। इसके एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण एलर्जी पर बेहतरीन काम करते हैं। तीसरा है खट्टे फल। खट्टे फल विटामिन सी का बेहतरीन सोर्स माने जाते हैं। कोल्ड या फ्लू के सीजन में इन्हें खाने से बड़ा फायदा होता है। खट्टे फल यानी संतरा, चकोतरा, नींबू जैसे फलों में मौजूद मिनरल, फाइटोकेमिकल्स कैंसर जैसे भयंकर बीमारियों का भी खतरा कम करते हैं। अगला है सेब। सेब विटामिन सी का अच्छा स्रोत है जिसे सर्दियों के मौसम में खाने से इम्यून सिस्टम मजबूत रहता है। इसमें पेक्टिन, पानी में घुलनशील फाइबर कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी घटाने में मददगार है। सेब को इसके छिलके के साथ ही खाना ज्यादा फायदेमंद माना जाता है। इसके छिलके में ही ज्यादा फाइबर और फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं।